हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी, हेल्दी के साथ स्पाइसी भी है। अब आप सोचेंगे कि स्पाइसी है तो हेल्दी कैसे, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप पोहे से ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। खाने में तो टेस्टी लगता भी है, बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। 10 से 15 मिनट्स में आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप के करीब पोहा। यहाँ पे पोहा हम लेंगे, पोहा को फ्लैटेंड राइस भी बोलते हैं, और ये ज़्यादा ना मोटा वाला है ना ज़्यादा पतला वाला है, तो आप इसे ले लीजिए। और अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हल्का हल्का पानी डालना है ताकि ये पानी में सोख हो जाए, और जब हम इसे हाथों से ऐसे रब करें तो ये आसानी से डो के फॉर्म में बन जाए, ये हाथों से अच्छी तरह से रब हो जाए। तो हमें इसमें एक्सेस वाटर नहीं ऐड करना है, बस उतना कि ये अच्छी तरह से सोख हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो सॉफ्ट एंड मशी होने तक हमें इसे 10 से 15 मिनट्स तक छोड़ देना है। उसके बाद जैसे ही ये फूल जाएगा हम इसके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, मैं इसे ढक कर छोड़ दी हूँ। अब यहाँ देखिए 10 से 15 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अब कर चेक कर रही हूँ तो पोहा जो है फूल चुका है अच्छी तरह से, इसने वाटर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने ज़्यादा वाटर ऐड भी नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं बचा। पोहे को लेकर मैं हाथों में इस तरह से रब कर रही हूँ तो अच्छी तरह से मिल जा रहा है, तो इसका मतलब कि अच्छी तरह से सोख हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका पोहा जो है अभी भी थोड़ा हार्ड है तो आप थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 उबले आलू ऐड किया है जिसको मैंने ग्रेट करके डाला है, इसलिए आलू को आप कद्दूकस करके डालिए। यहाँ पे 2 आलू मैंने ऐड किया है जिसको ग्रेट करके, आप मैश मत करिएगा, आप इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ही डालिएगा। अब यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाले हैं, और अब इसमें मैंने डाला थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। अब इसमें ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब नींबू का रस इसमें मैंने ऐड किया है, और अब इसको हम इस तरह से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। तो रेड चिली पाउडर जो है अगर आप कम पसंद करते हो तो मत ऐड करिएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया जो कि कम तीखा होता है, इसलिए मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, इससे और स्पाइसी होगा। यहाँ देखिए डो तैयार हो चुका है, बहुत ही आसानी से डो तैयार हो जाएगा, आपको पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और ये देखिए हाथों से इसके छोटे छोटे बॉल्स लेके हम इस तरह से बना लेंगे, और इसी तरह से पूरे डो का हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो पहले तो आप छोटी छोटी लोइयाँ तोड़िए और इसी तरह से छोटे छोटे बॉल्स हाथों से बना लीजिएगा, और इसी प्रोसेस से हम पूरे बॉल्स तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से, और इसकी सरफेस थोड़ा स्मूथ रखिएगा। तो यहाँ देखिए ये भी बॉल तैयार हो चुका, और ये देखिए मैंने सारे बॉल्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है, उस पर मैंने डाल दिया है स्टीमिंग वाला स्टैंड, और उसके ऊपर कटोरा रख कर ये थाली रख दिया है, और इसे ढक कर हमें 10 से 15 मिनट स्टीम करना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ देखिए ये अच्छी तरह से अब पक चुका है, कुक होकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ देखिए ये बॉल्स देखिए मैं उठा रही हूँ, और आप देख सकते हैं इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी बढ़ गई है, ये देखिए ये अच्छी तरह से फूल चुका, और देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, एकदम रसगुल्ले के जैसा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में करीब 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने लिया है तेल। अब तेल में हम इसमें डालेंगे ये 2 टेबलस्पून के करीब राई, फिर इसमें जाएगा 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जीरा। अब राई और जीरा के चटक जाने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये करी पत्ता, और यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च। अब यहाँ पे डाल रहे हैं 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पाव भाजी मसाला, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, बिलीव मी गाइस, आप इसे डाल के देखिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे डाला मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर, इससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आने वाला है। तो यहाँ देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा चीनी का पाउडर। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया है ये सारे बॉल्स जिसको हमने स्टीम करके निकाल लिया है, सारे बॉल्स डाल लीजिए, इसे मिक्स कर लीजिए, और 2 मिनट इसे हम कुक करेंगे ताकि मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाएं, मसाले भी थोड़ा पक जाएं, और ये जो है थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है,
क्योंकि इसमें वैसे भी हमने जो मसाले मिलाए उससे भी बहुत टेस्ट है, बट मैंने इसे तड़के की तरह प्रिपेयर कर दिया है, इससे और ज़्यादा टेस्ट इसका एनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे ये नींबू का रस। तो नींबू का रस उधर भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, अब थोड़ा सा और ऐड की, मिक्स कर दीजिए और ये देखिए अब बनकर रेडी है। तो चलिए करते हैं इसे सर्व। तो यहाँ देखिए सारे बनकर रेडी हैं, ये देखिए पोहे बॉल्स बनकर तैयार हैं और ये लीजिए मैंने इसको कर दिया है सर्व। आप इंजॉय करिए और ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना एकदम कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट। बिलीव मी, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपने पोहे से तैयार किया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऊपर से देखने में तो ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि मन कर रहा है अभी खा कर इसे चट कर दिया जाए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर देखिए पाव भाजी मसाले से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, स्टीम करके हमने बनाया है, हेल्दी तो होगा ही। तो मैं चली इसे इंजॉय करने और आप भी इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।